हेलो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सर्वे के लिए। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, या बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये बता रहा है कि ये नोटिफिकेशन आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सर्वे के लिए। तो मैं पहले आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म, जैसे कि आप इंडिया में जानते हैं, बहुत सारे रिलीजियस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन सिख ईसाई बहुत से हैं, तो अपने पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। जैसे मुस्लिम हैं तो अपने पर्सनल लॉ के तहत शादी करते हैं, उसी तरह से तलाक देते हैं, उसी तरह से मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरह से और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हिंदू हैं, उनका एक लॉ है पर्सनल लॉ, तो उसी तरह से वो शादी ब्याह करते हैं, तलाक करते हैं, तो ये सब अपने अपने तरीके फॉलो करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाह रहा है कि ये सब लॉ को मिटाना चाह रहा है और मिटा के एक लॉ लाना चाह रहा है, एक लॉ जिसे आप सब फॉलो करेंगे। इसके अंदर ना मुसलमान का लॉ चलेगा, ना क्रिश्चियन का, ना हिंदू का। तो इससे मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सब जितने भी रिलीजियस हैं उनके पर्सनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब आप सबके रिलीजियस को आप मिला के एक लॉ बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो ये आप नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, तो आप इसको आप करना क्या है, यहाँ से आपको किस तरह से आपका व्यू पेश करना है लॉ कमीशन के सामने। तो आप अपने मोबाइल में जाइए, और प्लीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी जानने वाले के पास जाइए जो ये करना जानता है, आपके दोस्त के पास, आपके भाई के पास, रिश्तेदार के पास, जिसके पास भी आपको जाना है जाइए, उससे कहिए कि ये काम उसको करके दें। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा किस तरह से करना है। तो अपने मोबाइल में कौन सा भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और गूगल ओपन कीजिए। गूगल में लिखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टाइप कीजिए, ये ओपन कीजिए, और ये फर्स्ट लिंक आएगा, ये ऑफिशियल लिंक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको होम पेज पे ही दिख जाएगा कि न्यू नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं दिख रहा है तो आप सर्च में जाइए, सर्च में जाके वहाँ पे टाइप कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आपको बताएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा, डिटेल बताएगा कि कब से सर्वे चालू है, कब से आपकी ओपिनियन ली जा रही है, और स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और किस तरह से करना है। तो आप लास्ट में देखिए फाइल के आगे लिखा है व्यू, तो वहाँ पे एक पीडीएफ का आइकन बना है, वहाँ पे आप टैप कर दीजिए तो ये फॉर्म खुल जाएगा जो मैं पहले आपको बताया। तो यही ये वही फॉर्म है कि आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आपकी ओपिनियन क्या है। तो आप तीन तरीके से अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेल दे सकते हैं, उन लोगों को मेल कर सकते हैं, या आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। बट बेस्ट और आसान तरीका है कि ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट करें, तो क्लिक हियर पे आप जो है ना क्लिक कीजिए, हियर क्लिक पे, तो एक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक नोटिस फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस डालूँगा, मैं ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट किया हूँ एग्जाम्पल के लिए, बस मैं आप रैंडम नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपना नाम और एड्रेस से मैंने अपना एक ओपिनियन दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से नाम डालना है। तो आपका करेक्ट नाम डालिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम करेक्ट डालिए, सेकंड नेम करेक्ट डालिए, मोबाइल नंबर करेक्ट डालिए, और ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल डाल दीजिए वहाँ पे कि मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, बस इतना ही डाल दीजिए, इंडिविजुअल, ओके। और उसके बाद वहाँ पे डाल दीजिए आपका एड्रेस। आप ये करने से डरिए मत, ठीक है, ये सेफ़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है। और यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। याद रखिए, ये मैं एग्जांपल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है। उसके बाद सजेशन इन वर्ड पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक कमेंट का बॉक्स खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप क्यों नहीं चाहते कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो या अमल में आए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ मत लिखिए कि आई डोंट लाइक इट, डेट वाई आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दिस, मतलब थोड़ा कुछ लिखिए यहाँ पे, जैसे कि सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हैं कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड आल्सो आई एम नॉट फेवर इन दी वन नेशन वन सिविल कोड, ये लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। या इससे बेहतर भी आप लिखिए, जितना आपको बेहतर लिखने आता है उतना बेहतर लिखिए, क्योंकि ये आपके सजेशन जा रहे हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, तो अच्छे से लिखिए, अच्छे वर्ड में लिखिए, प्रॉपर वर्ड में लिखिए, कि उनको भी पता चले कि कोई एजुकेटेड पर्सन लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जो पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके यही पॉइंट्स वहाँ पे
टाइप कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टली अटैक एंड कॉन्फ्लिक्ट द आर्टिकल 25 to 30, देर इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड प्रोटेक्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस। सो हो सकता है ये लॉ आने के बाद जो अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है वो ख़त्म हो जाए। या थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ UCC मतलब यूनिफॉर्म लॉ कमीशन बिकॉज इट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। सो इससे अफेक्ट होगा माइनॉरिटीज़ रिलीजियस के लिए, उनके कल्चर के लिए। या फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इंडिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है जहाँ पे हर तरह के रिलीजियस रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अगर ये UCC आया तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो जितना अच्छा लिख सकते हैं आप उतना अच्छा लिख के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा कि योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये फॉर्म ज़रूर भरें, और जिसको नहीं आता वहां आप ख़ुद अप्रोच हों वो लोगों से, जाके मिलके बोले कि भाई आपने फॉर्म सबमिट किया नहीं किया, तो आप खुद अपने तरफ से फॉर्म सबमिट करके दीजिए। और जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस बात को आम करें, लोगों को एजुकेट करें कि ये किस तरह से करना है। और ये कोई पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए नहीं है, इससे हिंदू भी परेशान होंगे, मुसलमान भी परेशान होंगे, क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप के लोग कल्चर और रिलीजियस एक्टिविटीज फॉलो करते हैं। तब एक प्लेटफॉर्म पे जब सबको लाया जाएगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे टकराव होगा, तो इससे किसी का भला नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है या मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है तो मुझे प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।